मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति का वाहन पार्किंग नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि मतगणना के 100 मीटर दूर बैरिकेडिंग की गई है, जिसके बाद सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इसलिए 10 मार्च को जो भी प्रत्याशी, काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट आएंगे, उन लोगों का वाहन बैरिकेडिंग के बाहर ही रोक दी जाएगी तथा वहीं पर पार्किंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना को संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय गेट पर ही सभी वाहनों की तलाशी की जा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर कोई वस्तु लेकर ना आ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने कहा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है, जिस तरह से 2022 लोकसभा चुनाव में लेकर भाजपा को पूर्व दीजिए कल मतगणना होने, इसको लेकर सर क्या दिशा निर्देश जो वाहन आएंगे अंदर? मतगणना का जो काउंटिंग स्थल होता है, काउंटिंग हॉल, उसके 100 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगाई जाती है, जिसके बाद कोई भी गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित होता है। तो जो भी कल प्रत्याशी या अन्य काउंटिंग और पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट आएंगे, उन सभी की गाड़ियां उनको बाहर वाले बैरियर तक ही रोक देनी रहेगी, वहीं पार्किंग व्यवस्था रहेगी, उसी के उधर उनको पार्क करना रहेगा।